दोस्तों फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SD Sports 95 में। दोस्तों आज की इस खास वीडियो में हम PKL सीजन 9 के लिए गुजरात जायंट्स टीम के टॉप 5 टारगेट प्लेयर्स देखेंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही सभी टीम्स की वीडियो बनाएं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो में सबसे पहले हम गुजरात जायंट्स के टॉप 6 प्रोबेबल रिटर्न प्लेयर्स देखेंगे और बाद में PKL सीजन 9 के ऑक्शन में गुजरात जायंट्स की टीम किन खिलाड़ियों को टारगेट करेगी वो देखेंगे। तो चलिए हम पहले गुजरात जायंट्स के टॉप 6 प्रोबेबल रिटर्न प्लेयर्स देखते हैं। तो दोस्तों वो होंगे सुनील कुमार, परवेश भैंसवाल, गिरीश एरनार्क, HS राकेश, हादी ओस्तोराक और महेंद्र गणेश राजपूत। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहे। दोस्तों हमारे 1.2 के सब्सक्राइबर्स पूरे होने में बस 20 कम है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। नंबर 1 बलदेव सिंह। दोस्तों बलदेव सिंह PKL सीजन 7 में बंगाल वॉरियर्स की तरफ से खेलते हुए काफ़ी अच्छी फॉर्म में थे। बाद में PKL सीजन 8 में पुनेरी पल्टन ने बलदेव सिंह को खरीद लिया, लेकिन सोमवीर की अच्छी फॉर्म के कारण बलदेव सिंह को पुनेरी पल्टन ने ज़्यादा मौका नहीं दिया। तो इसी के चलते गुजरात जायंट्स की टीम PKL सीजन 9 के ऑक्शन में बलदेव सिंह को अपने टीम में ज़रूर शामिल करेगी, क्योंकि दोस्तों रविंदर पहल के खराब फॉर्म की वजह से गुजरात जायंट्स की टीम उनको रिलीज़ करने वाली है और उनकी जगह गुजरात जायंट्स के लिए राइट कॉर्नर पर बलदेव सिंह काफ़ी अच्छा ऑप्शन होगा। तो दोस्तों गुजरात जायंट्स की टीम PKL सीजन 9 में बलदेव सिंह को अपने टीम में ज़रूर शामिल करेगी। नंबर 2 श्रीकांत जाधव। दोस्तों श्रीकांत जाधव UP योद्धा के लिए पिछले 3 सीजन से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो PKL सीजन 9 के ऑक्शन में गुजरात जायंट्स की टीम श्रीकांत जाधव को अपने टीम में ज़रूर शामिल करना चाहेगी, क्योंकि दोस्तों PKL सीजन 8 में गुजरात जायंट्स के पास सभी युवा रेडर्स थे, इसलिए गुजरात जायंट्स की टीम PKL सीजन 9 में कुछ अनुभवी रेडर्स को अपने टीम में शामिल करना चाहेगी और उसमें से एक श्रीकांत जाधव को अपने टीम में शामिल करेगी। नंबर 3 मयूर कदम। दोस्तों मयूर कदम PKL सीजन 8 में बेंगलुरु बुल्स टीम का हिस्सा थे और ठीक ठाक फॉर्म में थे। दोस्तों मयूर कदम कवर्स की पोजीशन पर खेलते हैं, जहां पर गुजरात जायंट्स के पास 2 बड़े ऑप्शन है, सुनील कुमार और परवेश भैंसवाल। दोस्तों सुनील कुमार या फिर परवेश भैंसवाल को कुछ मुकाबलों के लिए रेस्ट मिलता है तो गुजरात जायंट्स की टीम मयूर कदम को खिला सकती है, या फिर सब्स्टिट्यूशन के तौर पर मयूर कदम एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन होगा। दोस्तों गुजरात जायंट्स की टीम अपने डिफेंस को हमेशा मजबूत रखना चाहती है, इसलिए PKL सीजन 9 में मयूर कदम को ये टीम जरूर खरीदेगी। नंबर 4 अजय कुमार। दोस्तों अजय कुमार PKL सीजन 8 में गुजरात जायंट्स टीम का ही हिस्सा थे और काफ़ी अच्छी फॉर्म में भी थे, लेकिन दोस्तों गुजरात जायंट्स की टीम अजय कुमार को रिलीज करके ऑक्शन में से फिर से कम कीमत में खरीदना चाहेगी, ऐसे में वो बचे हुए पैसे दूसरे रेडर्स को लेने में लगाएगी। नंबर 5 रोहित गुलिया। दोस्तों रोहित गुलिया PKL सीजन 5-6-7 तक गुजरात जायंट्स टीम का ही हिस्सा थे। दोस्तों रोहित गुलिया एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है और गुजरात जायंट्स के पास मौजूदा समय में एक भी अच्छा ऑलराउंडर नहीं है, तो PKL सीजन 9 में गुजरात जायंट्स की टीम अपने स्टार ऑलराउंडर को फिर से अपने टीम में शामिल करना चाहेगी और अपने मेन रेडर के तौर पर खिलाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।